हमारे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई कलाकार हैं जो अपने नाम से ज्यादा अपने किरदार के लिए जाने जाते हैं और उनमें से ही एक कलाकार है संस्कारी बाबूजी मतलब कि आलोकनाथ थी। जी हां, फिल्म इंडस्ट्री से लेकर टीवी जगत तक आलोकनाथ जी या तो किसी को आशीर्वाद देते हुए नजर आते हैं या फिर बड़े ही संस्कारी तरीके से कन्यादान करते हुए, और शायद इसीलिए इन्हें संस्कारी बाबूजी के नाम से जाना जाता है। आज हम आपको आलोकनाथ के जीवन से जुड़ी एक ऐसी सच्चाई बताने वाले हैं जिसे जानकर आप भी चौंक उठेंगे। वही सबसे पहले अगर बात करें आलोकनाथ के करियर की, तो उन्होंने ऑस्कर विनिंग फिल्म गांधी से अपने करियर की शुरुआत की थी और इसके बाद वे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएशन किया है। आपको बता दें, अब तक के अपने करियर में आलोकनाथ ने कुल 500 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा उन्होंने करीबन 50 टीवी शोज में भी अभिनय किया है और अपने हर किरदार में वे एक अच्छे पिता ही साबित होते हैं। हिंदी सीरियल्स के अलावा आलोकनाथ जी ने बांग्ला, तमिल और राजस्थानी भाषा के सीरियल्स में भी अभिनय किया है। उनके सबसे शानदार सीरियल्स की लिस्ट में बुनियाद, भारत एक खोज, पिया का घर, वो रहने वाली मैलों की विदाई जैसे टीवी सीरियल्स शामिल हैं जिसमें उनके पिता के किरदार को हर किसी ने पसंद किया था। वही अगर आलोकनाथ की बॉलीवुड फिल्मों की बात करें तो इसमें सारांश, तिरंगा, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम दोनों, जीत, परदेश, ताल, पिंजर, टेंगो चार्ली, किल दिल, विवाह जैसी फिल्मों में काम किया है और आखिरी बार वे फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी में भी नजर आए थे जिसमें दर्शकों ने उन्हें काफी पसंद किया था। इसके साथ ही बताते चलें कि संस्कारी बाबूजी फिल्म कामादनी में लव मेकिंग सीन्स भी दे चुके हैं जिसे देखकर आप उनके संस्कारी रूप भूल जाएंगे। इसके अलावा इन्होंने विनाशक, षड्यंत्र और बोल राधा बोल जैसी फिल्मों में खलनायक का रोल भी बखूबी अदा किया है। बिहार में 10 जुलाई 1956 को दिल्ली में जन्मे आलोकनाथ की पर्सनल लाइफ की कई ऐसी बातें हैं जो ज्यादातर लोग नहीं जानते, जैसे कि उनके लव अफेयर्स। आज हम आपको उनके अफेयर के बारे में बताने वाले हैं जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जानकारी के मुताबिक एक बार आलोकनाथ के सिलसिले में दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्ट्रगल के दौरान उनकी मुलाकात नीना गुप्ता से हुई और जल्दी ही उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। हालांकि इनका ये रिश्ता ज्यादा दिन तक चल ना सका और कुछ समय बाद ही इनका ब्रेकअप हो गया। कहा जाता है कि दोनों ही अपने करियर पर ध्यान देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ब्रेकअप करने का फैसला लिया। बता दें कि फिल्म बुनियाद में अभिनेत्री नीन गुप्ता ने उनकी छोटी बहू का किरदार निभाया था जिसके दौरान ही इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी थी। नीना से ब्रेकअप के बाद आलोकनाथ ने अपने पेरेंट्स की पसंद की बिहारी लड़की अंशु सिंह से शादी की और सेटल हो गए और इन दिनों बाबूजी अपने जीवन संगिनी के साथ संस्कारी पति की तरह जीवन यापन कर रहे हैं और इनके दो बच्चे हैं जिसमें से बेटे का नाम शिवांग है और बेटी का जुन्हाई नाथ है। ये अपने परिवार के साथ बेहद ही खुश है।